बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज चिकन कढ़ाई बनाऊंगे ज़रा डिफरेंट तरीके से। प्याज पहले ब्राउन करके इनको निकाल लेना है। इनको करूंगी जी मैं ग्राइंड, तो फिर भुनेगी जी। ऑयल मैंने कम डाला है, इनको पहले ना ब्राउन करते हैं अच्छी तरह। पहले वो प्याज और क्या कहते हैं उसको, चिकन वगैरह सब कुछ एक ही दफा डाल देती थी, लेकिन आज जो है ना मैं तो थोड़ा डिफरेंट हो जाए। ब्राउन करके निकालेंगे, उसके बाद जो है ना बनाएंगे जी हम चिकन कढ़ाई। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स करें। और मैं जो रेसिपी बनाती हूँ वैसी रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें, और मुझे फीडबैक दें कि आपने बनाई है तो आपकी रेसिपी कैसी, आपकी हांडी कैसी बनी है। ठीक है, तो जिन्होंने कमेंट्स किए हैं मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं, सारे तो कितने 4-5 कमेंट्स थे, तो माशाल्लाह से जी सब ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं, सबको अच्छी लग रही है, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह उनका। ठीक है, तो बनाते हैं जी कढ़ाइयाँ, फिर खाते हैं। फिर मौसम आज जो है ना बहुत अच्छा मौसम है। ऐसे है कि बादल बने हुए हैं और धूप है, आज जो है ना बहुत अच्छी धूप है बारिश वाली। तो धूप बनने तक जो सुस्ती सी होती है, गोली दवाई खाई है ना, कमर दर्द क्या कुछ भी सोचते ना सोचती हूँ। मैं ना इधर प्याज काट लूँ और इनको मैंने अच्छे से ब्राउन करके ना इनका ना पेस्ट बनाना है, ग्राइंड करना है। ठीक है, ये तकरीबन 10 मिनट लग ही जाएंगे इनको अच्छे से ब्राउन होने में। डार्क ब्राउन नहीं करना, नॉर्मल ब्राउन करना है हांडी वाला। ये टमाटर भी डाल देंगे और इनको भी ना अच्छी तरह वो करेंगे बुनाई इनकी, और फिर इनको ना निकाल लेंगे। ठीक है, चिकन कढ़ाई बनाने में कोई देर नहीं लगती, 20-25 मिनट में हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो जाती है। थोड़ा सा ना टमाटरों को वो कर लें, ये हो जाएंगे ना थोड़े खस्ता हो जाएंगे अच्छे से खोले नरम जैसे भी बोलो, फिर इनका ना अच्छी से ग्रेवी बन जाएगी कढ़ाई में। देखो प्याज भी माशाल्लाह अभी से बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसको मैंने निकाल लूँगी इधर पड़ गई, चलिए जी इनको निकालते हैं और फिर इसमें ऑयल डाल के ना चिकन को डालूँगी अंडी के अंदर। अंडी मैंने पहले डाल ली थी, इसमें चिकन डाल ली है, और इसमें ना रहेगा जी ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डालना है, इतना ऑयल नहीं डालना क्योंकि पहले ऑयल मेरा प्याजों में है, तो वो फिर प्याज भी इधर डालते हैं ना, फिर हमारा जो हांडी है ना वो ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाएगी। इसको
इसको अच्छी तरह से इसमें पकाएंगे, और ये जो प्याजों वाला ऑयल है ना ये दीना इसमें डाल देते हैं। ये जी इसको तो उसको ना मैं ग्राइंड कर लूँ और इसको अच्छे से ना भून लेती हूँ। ठीक है, ये भी हमारा चिकन अभी ब्राउन हो रहा है, इसको ना 5-10 मिनट और ब्राउन करेंगे। फिर दूसरी तरफ मैं मक्के वगैरह डाल के रख लूँ इसमें, ग्रीन मक्खों में एक टी स्पून और गरम मसाला पाउडर, इसमें ना गरम मसाला डालो। अब इसमें जी जाएंगे ये स्पाइसेस सारे, और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, क्योंकि हमें इसमें नमक मिर्च भी अच्छे से भूनना है। इसको अच्छे से ना भूनेंगे, थोड़ा सा ना पानी मिक्स करेंगे हमारा जो मसाला है। ठीक है, ऊपर से ना थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ गलानी भी तो है ना, देखे फिर ऊपर से डाल देंगे। ये हल्की आंच पे पक रहा है। ठीक है, अब इसमें जो मैंने प्याज लहसुन अदरक और टमाटर का पेस्ट बना के रखा था ना वो डालेंगे। देखो कैसे क्रीमी क्रीमी हो गई है। अब इसको ना अच्छे से पकने देंगे, आप थोड़ी सी तेज करेंगे, ज़्यादा तेज नहीं। इसमें जी मैंने टमाटरों वाला और प्याजों वाला पेस्ट डाला है, तो ये देखिए अभी जो है ना कर देते हैं, तो इसकी छींटे बड़ी पड़ती हैं। ये जी देखिए हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई, देखिए हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है। धनिया
कोरिएंडर कोरिएंडर के बजाय तो हांडी रंडम रंडम ठीक है। वो मेरे पास ना दूसरी मोटी कचारी जो होती है ना मेरे वो नहीं है तो कड़वी थी वो मैंने भी डाल दी। वो अगर ऊपर होती ना कढ़ाई की तो फिर इसको लगते थे चार चांद। ये देखें जी तड़कती फड़कती हमारी हांडी माशाल्लाह मज़ेदार। जिस किसी ने खाने नाना नाल ज़बरदस्त ठीक है। ठीक है जी जज़ाकअल्लाह खैर अपनी दुआ में रख लीजिए। आज हमें दें इजाज़त किसी नवी हांडी नाल फिर हाज़िर होवांगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।